हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सो शेयर मार्केट के और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी की, स्पेशली हम इसका टारगेट डिस्कस करेंगे मंडे के लिए। सो ये देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी का मैंने चार्ट लगा रखा है और मैं सबसे पहले एक दिन का चार्ट लगा लेता हूँ। एक दिन के चार्ट में ये देख रहे हैं, दिन के 16 अप्रैल को दिन के लगभग 3 बजे के आसपास इसने एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ये देख रहे हैं ये वाला वॉल्यूम, तो इसमें एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और एक चीज और देखिए, इसमें यहाँ पे ये 16 अप्रैल को लगभग ये 3,625 रुपये पे ओपन हुआ था। दिन के 1 बजे के आसपास कितने बजे, 3,674। और ये वाला जो वॉल्यूम मारा है, ये देखिए ये वॉल्यूम कितना, 3,689 से 3,770 तक का वॉल्यूम है। और ये फिर से क्लोजिंग दिखाया है कितने पे, 3,732 पे, अपने हाई के आसपास ही दोस्तों ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ से इसका अगला टारगेट कितना होगा, ये जो बनाया था 9 अप्रैल को कितने का, 3,784। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जैसे ही ये तोड़ा तो सीधा ये कहाँ तक जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सी ये देखिए, 9 अप्रैल को 3,790। तो जैसे ही 3,790 दोस्तों ये तोड़ेगा, तो इसका अगला टारगेट होएगा 4,300 के आसपास। क्योंकि देखिए, ये लगभग यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है, ये 2:55 के आसपास 100 पॉइंट का ब्रेकआउट है। तो अगर 3,700 के आसपास, अगर ये 3,772 लगे, 3,800 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा, 3,900, 4,000, फिर सीधे 4,200, 4,300 के आसपास ये फ्रेंड्स जा सकता है। सो दोस्तों, मूवमेंट अच्छा है, इसमें थोड़ा सा नजर बना के रखिए आप लोग। सो दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक लिए।